फैमिली वेलकम टू चैनल, मैं हूँ विशाली। आप सब लोग का स्वागत करती हूँ विशाली मित्रा की फैशन डोज पे। आज का वीडियो है प्रॉपर वेडिंग वेयर हॉल, जो कि हल्दी मेहंदी कॉकटेल पार्टी शादी जो भी आपने इवेंट अटेंड करना है। आज की वीडियो में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और बहुत ही डिफरेंट लुक्स है। चलिए ट्राई करते हैं। इस हॉल वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सभी के लिंक माई हॉल स्टोर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, चेक कर लेना। स्टार्ट करते हैं आज के पहले लुक से, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, प्लस देखने में इतनी सुंदर लगती है और पहनने में तो वाह। जिनको भी साड़ी पहननी है, बिगिनर है, उनको बिल्कुल साड़ी ड्रेप करना नहीं आता एंड वन मिनट साड़ी भी उनको पसंद नहीं आती, ये वाला ऑप्शन कमाल का है उनके लिए। सबसे पहले मैं आपको ये प्री ड्रेप स्कर्ट साड़ी दिखाऊंगी, मतलब स्कर्ट के साथ पूरा साड़ी का जो आंचल है वो जॉइंट है। ये है फ्रॉम द ब्रांड इंडिया से एंड ट्रस्ट मी, ऐसे मेरे पास 3 या 4 ऑप्शंस हैं और वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हर बार डिफरेंट ब्लाउज चोलीज के साथ उनको स्टाइल करती हूँ। इस तरीके से पूरा जॉर्जेट मटेरियल पर आपको स्कर्ट मिलता है विद ब्यूटिफुल डॉबी फैब्रिक। नीचे की तरफ बहुत सुंदर इसमें फ्रिल दिए हुए हैं एंड इसकी लेफ़्ट साइड पर जिप एंड हुक आपको मिलते हैं, जिससे आप इजीली इसको कैरी कर सकते हो। साइजेस सारे अवेलेबल हैं। साइड से पूरा ही ये वाला जॉर्जेट वाला फैब्रिक जो कि डॉबी में है, प्लस यहाँ पर फ्रिल है, जॉइंट होता है। इसको जस्ट आपको पीछे से लेकर साड़ी की तरह आपको इसका पल्ला ले लेना है। लंबा भी ले सकते हो, थोड़ा सा डाउन करके जो उसका काउल है वो और ज़्यादा डीप करके पहन सकते हो। आप इसकी प्लीट्स बना सकते हो। देखो इसका ओपन पल्ला ना बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, सो ये हैंडल करने में आसान है, कोई भी इसको पहन सकता है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और स्टाइलिश लगती है। ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट पीस इन माई वार्डरोब, जो कि मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ। इसका एक मरून कलर वाला था। इसके साथ जो मैंने ब्लाउज़ कैरी किया है वो मैं आपको पहले बहुत सारी वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ, बट स्टिल मैंने इसके साथ स्टाइल किया था तो सोचा कि आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करूँ। एशियन ब्रांड से, एक्चुअली इट्स अ क्रॉप टॉप, इट्स अ वी नेकलाइन क्रॉप टॉप और ये पीछे से पूरा एकदम बैकलेस टाइप है, ये देखो इस तरीके से। एंड यहाँ पर एक नॉट दी हुई है, अंडर कॉटन का लाइनिंग मिलता है। इट्स अ ब्यूटिफुल जॉर्जेट मटेरियल का ब्लाउज़ और क्रॉप टॉप। इसके स्लीव के एंड पर इलास्टिक है एंड ये पूरा जितना भी गोल्डन आप काम देख रहे हो ये वाला तो एम्ब्रॉयडर्ड है एंड ये पूरा जो आप जरी वाला काम देख रहे हो ये पूरा ही वूवन जरी है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पीस, सो आप भी ट्राई कर लेना। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं वेलवेट सूट पर। वेलवेट सूट 3-पीस सेट, ठीक है, और एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थिक वाला वेलवेट है, जो कि आप इसकी फोल्ड से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना हैवी फैब्रिक होने वाला है। जिनको बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगती है इन विंटर वेडिंग्स, उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। क्वालिटी अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है, जिसके अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी आपको दी जा रही है। एशियन ब्रांड से है, मैंने वाइन कलर पिक किया है, बहुत टाइम से वाइन कलर मैंने पहना नहीं था। फुल स्लीव एंड इसके ऊपर जितने भी आप ये मोटिव्स देख रहे हो, ये बूटे देख रहे हो, पूरे ही एम्ब्रॉयडर्ड हैं। फ्रंट पर पूरा सूट हैवी है, इसके बैक पर भी ये पूरा सूट बूटों के साथ हैविली एम्ब्रॉयडर्ड सूट है एंड इसके वेलवेट का क्वालिटी काफ़ी थिक और अच्छा है। इसके अंदर आपको लाइनिंग प्रोवाइड की गई है ताकि आपको चुभे नहीं। इसकी लाइनिंग आपको स्लीव के अंदर भी मिलती है ताकि स्लीव भी आपको इरिटेट ना करे। ये देखो स्लीव के अंदर और पूरी कुर्ती के अंदर टॉप टू बॉटम इसमें आपको लाइनिंग मिल रही है। सच ब्यूटिफुल सूट टू इन्वेस्ट। ये सॉलिड बॉटम रखा गया है, इसको आप डिफरेंट कुर्तीज डिफरेंट कलर्स के साथ कॉन्ट्रास्ट करके भी पहन सकते हो। फुल्ली इलास्टिकेटेड बैंड एंड टेपर्ड फिट में ये ब्यूटिफुल वेलवेट का पैंट, जिसमें आपको पॉकेट भी मिल रही है फंक्शनेबल। इसके साथ आपको ऑर्गेन्जा में दुपट्टा मिलता है इस तरीके से फुल एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ। सो ये कंप्लीट सूट 100% रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। जितने भी सूट्स एंड आउटफिट मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने सभी में साइज लार्ज पिक किया है, जिसमें भी ऊपर नीचे होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट इज़ अ वेरी सटल पर्पल कलर, ये देखो बहुत ही सुंदर पर्पल कलर का सूट सेट है। सॉरी ये गिर गया था, मैं आपको पहले कुर्ती दिखाती हूँ। इट्स बहुत सुंदर कुर्ती है यार, ये देखो फुल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो रखी है योग पे विद सीक्वेंस, पूरा जरी थ्रेड का काम किया हुआ है बहुत ही सटल कलर के साथ। इसमें आई थिंक 2 कलर्स और अवेलेबल हैं। 3/4 स्लीव के साथ इसका जो फैब्रिक है ये कॉटन सिल्क में है
और इसकी कुर्ती ए लाइन में है, इसमें आपको पॉकेट भी मिल रही है, फंक्शनेबल काफ़ी डीप पॉकेट, सो यू कैन ट्राई इन योर अपकमिंग वेडिंग्स। इसी टाइप के कलर का मैंने रिसेंटली एक साड़ी पहना था, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। इसके साथ जो बॉटम आ रही है वो बिल्कुल बेसिक सेम फैब्रिक सेम कलर के साथ, फुल्ली इलास्टिकेटेड बैंड विद टेपर्ड फिट में इसका बॉटम, एंड इसका दुपट्टा आ रहा है ऑर्गेन्जा डिजिटल प्रिंट के साथ। डिजिटल प्रिंट ऑर्गेन्जा दुपट्टा तो है ही, प्लस स्कैलोप डिटेल के साथ ही पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है दुपट्टे के अंदर, जो कि इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत और पार्टी वेयर बना रहा है। नेक्स्ट जो सूट है ये भी काफ़ी सुंदर सूट है, मतलब बहुत टाइम बाद मैंने प्रॉपर ब्लैक कलर का सूट पिक किया है। ये है इंडोएरा ब्रांड से, मैंने लार्ज ही पहना हुआ है साइज। ये देखो फुल सीक्वेंस एंड एम्ब्रॉयडरी है इसमें, सीक्वेंस ना जो मल्टीक्रोम सीक्वेंस होता है ना वैसा वाला सीक्वेंस है। ये देखो क्लोजअप में, आप इसका पूरा वर्क एक बार क्लोजअप में देखो, बहुत ही सुंदर है, सच यूनिक एम्ब्रॉयडरी। काफ़ी टाइम बाद इस टाइप का कोई एम्ब्रॉयडरी पीस मैंने पिक किया है। ये देखो नीचे की तरफ बहुत ही सुंदर वर्क किया हुआ है, फैब्रिक इसका कंफर्टेबल है, प्लस इसमें लाइनिंग भी मिल रही है, प्रॉपर कॉटन की नहीं है, थोड़ा मिक्स्ड वाला लाइनिंग है इसके अंदर। इसका जो दुपट्टा है वो बहुत सुंदर है, आप मतलब किसी और सूट के साथ भी ये दुपट्टा ले सकते हो, लाइक ये वाली एम्ब्रॉयडरी थोड़ी थोड़ी इसके साथ मैच हो रही है तो मैं इसके साथ भी क्लब कर सकती हूँ। इट्स अ ब्यूटिफुल दुपट्टा एज यू कैन सी, फुल सीक्वेंस एंड एम्ब्रॉयडरी के साथ, बीच बीच में भी फ्लावर्स बने हुए हैं, तो ये फुल हैवी पार्टी वेयर कॉकटेल में पहनने के लिए, रिसेप्शंस में पहनने के लिए सूट है। सेमी इलास्टिक बैंड के साथ आपको पैंट मिलता है विद पॉकेट टेपर्ड फिट में, एंड कंफर्टेबल है, आप इजीली कैरी कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट लुक, नेक्स्ट लुक पर जाने से पहले अगर आपने मेरे सूट के बारे में क्वेरी करनी है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थ्री पीस सूट सेट एम्ब्रॉयडर्ड, और ये भी अमेजोन पर अवेलेबल है, मैं इसको लिंक कर दूंगी, चेक कर लेना एक बार ठीक से, डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। एंड ये झुमके मैंने पहने हुए हैं, ये भी मैंने अमेजोन से रिसेंटली लिए थे, उसको भी मैं लिंक कर दूंगी। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट माई वाइट बिंदी, इसका मैंने प्रॉपर एक रील वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पर, आप देख सकते हो अपने इंस्टाग्राम पेज पर। बाय द वे ये बिंदी जो है ना ये भी काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, ये अमेजोन से ही है, अगर स्टॉक में होगी तो मैं इसको भी लिंक कर दूँगी। बहुत सुंदर है, मतलब ऑल ओवर लुक पे ना एक पता नहीं एक डिफरेंट सी चीज़ मतलब लगती है जो कि सुंदर लग रही है। नेक्स्ट जो है इट्स अ क्वाड सेट, और ये एशियन ब्रांड से है, काफ़ी डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल। ये देखो काफ्तान काइंड ऑफ इसका ट्यूनिक है जो ऊपर का है, इस पर हैंडवर्क किया हुआ है, प्रॉपर हैंडवर्क नेकलाइन पर, एंड इसके साथ नीचे ये जो शेल्स लगे हुए हैं दीज आर ओरिजिनल शेल्स। सो मैंने इसमें साइड जो है मीडियम पहना हुआ है, इस तरीके से पूरा काफ्तान ट्यूनिक है, काफ्तान टॉप पहनने के बाद आपको दिख रहा होगा साइड पर ट्रायल में। नीचे भी यहाँ पे टैसल के साथ पूरा ये शेल वर्क किया हुआ है, और ये बंधेज प्रिंट में है, और इसका जो फैब्रिक है वो लीवा फैब्रिक है, सो कंफर्टेबल है, देखने में सुंदर लग रहा है। सेमी इलास्टिक बैंड टेपर्ड फिट में विद पॉकेट, अब जैसे कि मेहंदी हल्दी जैसे फंक्शंस होते हैं उसमें कुछ आप फ्यूजन या डिफरेंट पहनना चाहते हो, इसमें कलर ऑप्शन है कि नहीं मुझे याद नहीं है, अगर लिंक में चेक कर लेना, बट इस टाइप का डिफरेंट स्टाइल कैरी करना बड़ा अच्छा लगता है। ये जो आपको कलर दिखाने वाली हूँ ये भी काफ़ी यूनिक है, लुक इट दिस ब्यूटिफुल मेटालिक ग्रीन कलर, एग्जैक्टली दिस इज़ मेटालिक ग्रीन और ग्रे सॉर्ट ऑफ कलर, मतलब आई डोंट नो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ इस कलर को, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल इंग्लिश टोन कलर। मैंने साइज लार्ज पहना हुआ है इंडोएरा से, लुक एट दिस ब्यूटिफुल सूट, आई जस्ट लव इट। जिनको सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी और ये सब चीज़ें नहीं पहननी इस बार, ट्राई दिस वन, इसमें आई थिंक एक प्रॉपर ग्रे कलर एंड वन मोर कलर इज़ अवेलेबल, टोटल थ्री कलर्स हैं जहाँ तक मुझे याद है मैंने पिक किया है। जैसे कि मैंने कलर पहना हुआ है ना एग्जैक्टली कुछ कुछ ऐसा ही है, बट ये मेटालिक वाले फैब्रिक में है, सो इट्स अ प्रॉपर वेरी ब्यूटिफुल सूट सेट। एंड इसके अंदर आपको वही थोड़ा सा मिक्स वाला फैब्रिक है जिसकी लाइनिंग मिल रही है, और ये पूरा ही वूवन वर्क है, ये मैं आपको दिखा दूँ क्रॉस साइड, पूरा ही वूवन है फैब्रिक के अंदर ये बनारसी वर्क, एंड ये बहुत ज़्यादा रिच और रॉयल दिखता है। इसका जो दुपट्टा है वो अपने आप में इतना खूबसूरत दुपट्टा है, ये देखो फुल दुपट्टा, इन रियल ये सूट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, ट्रस्ट मी, वेडिंग्स में पहनने के लिए कुछ डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस वगैरह से हटके तो ये वाला सूट बहुत ही प्यारा है। रेडी टू वेयर सूट जिस प्राइस रेंज में मिल रहा है,
जस्ट ग्रैब इट। एंड इसका जो प्रॉपर शेड है वो मैं कहूँगी कि ये वाला शेड है जो कि बॉटम पर आ रहा है, सेमी इलास्टिक बैंड के साथ विद पॉकेट टेपर्ड फिट में, लव इट। एंड ये ना मैंने लार्ज साइज ही पहना हुआ है और मुझे थाई एरिया में और कहीं भी ना परेशान नहीं कर रहा था, बहुत अच्छे से फिट आ गया था। इस वीडियो में मैंने दो साड़ीज़ भी इंक्लूड की थी, अब आ रही है साड़ी की बारी। अब जो मैं आपको साड़ी दिखाने वाली हूँ ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई है, ये है गदवाल सिल्क में। गदवाल इफ़ यू डोंट नो, मैंने पहले भी अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, गदवाल में कॉटन एंड सिल्क मिक्स्ड थ्रेड रहता है, मतलब अगर एक थ्रेड कॉटन है तो एक थ्रेड सिल्क है। इसमें ना सिल्क वाला फील है, शाइन है, ब्यूटी है, प्लस कॉटन का कंफर्ट आपको मिलता है। सो गदवाल सिल्क अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया ना, आई वुड सजेस्ट एक बार ट्राई करना। इसमें मोस्टली यही वाला पैटर्न आता है जिसमें आपको बॉर्डर एंड बॉडी प्लेन मिलती है, बॉर्डर के साथ ही मिलता है, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं जहाँ तक मुझे मालूम है। सो ये है मोजेंटा पिंक एंड बेबी पिंक कलर का कॉम्बिनेशन। ओफ, ये साड़ी देखते मुझे इतनी सुंदर लगी थी। ये देखो, डार्क पिंक कलर में विद गोल्डन पूरा बॉर्डर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी एकदम साउथ इंडियन वाइब ना वो आ रही थी। इसमें छोटे छोटे मोर एंड पेसले का डिज़ाइन बना हुआ है, आई जस्ट लव दिस ट्रेडिशनल पैटर्न्स। और बीच में यहाँ पर बूटे दिए हुए हैं, ये सारे ही वूवन हैं, ये देखो आप उल्टी साइड। एंड ये साड़ी इतनी सटल और प्रिटी लग रही थी, आपकी हाइट कई बार होते हैं जैसे 6 feet तक आपकी हाइट है तो साड़ीज़ ना विड में बहुत कम पड़ जाती हैं, ट्रस्ट मी इसकी विड काफ़ी अच्छी है, मेरा लगभग इतना फैब्रिक तो अंदर था। सो इट्स लवली, जो भी आप पे कर रहे हो ना यू विल गेट द ब्यूटिफुल थिंग। ये देखो बहुत ही सुंदर प्रिटी डिज़ाइन का इसमें बॉर्डर है एंड पूरी साड़ी में इस तरीके से हैवी बूटा एम्ब्रॉयडर्ड है। फर्स्ट स्कर्ट पे जो ये वाला फैब्रिक आता है प्लेन, एंड उसके बाद बूटे के साथ ही पूरा मजेंटा पिंक कलर का विद बॉर्डर आपको अनस्टिच ब्लाउज मिलता है। चलिए नेक्स्ट जो मैं साड़ी आपको दिखाने वाली हूँ, इस टाइप की साड़ी मैंने पहली बार रिव्यू की है, सो आई लव इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे विंटर्स वेडिंग होते हैं जहाँ पर हमको हैवी साड़ी वेयर करने का मन करता है क्योंकि ऑब्वियसली ठंड हो रही है बाहर, आप ये वाली साड़ी ट्राई कर सकते हो। ये साड़ी काफ़ी हैवी है, इट इज़ कश्मीरी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी, मतलब जैसे कश्मीरी शॉल्स एंड ऑल होते हैं ना जिस पर वो पूरा काम होता है, बिल्कुल वही साड़ी है ये पूरी वूवन। आप इसका पहले आंचल देखो, लुक एट द आंचल, इतना खूबसूरत साड़ी, ओ माय गॉड, पूरा कश्मीरी एम्ब्रॉयडर्ड इंस्पायर्ड। एंड अब मैं आपको इसका क्रॉस साइड दिखाती हूँ, आप शॉक रह जाओगे। ये देखो, ये पूरा वूवन साड़ी है, मैं आपको उसका क्रॉस साइड दिखा रही हूँ, उल्टी तरफ दिखा रही हूँ। एंड ये है इसका सीधा वाला तरफ, दो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ट्रस्ट मी ये साड़ी अपने आप में ही एक मास्टरपीस है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी ड्रेप करने के बाद। ये देखो मैचिंग ज्वेलरी और मेकअप के साथ तो उफ़, ये बहुत प्यारी लगने वाली है। फ्रंट पर आपको एक स्कर्ट पे ये फैब्रिक मिलता है प्लेन बेज कलर का, एंड यहाँ पर आपको अनस्टिच ब्लाउज पीस मिलता है विद दिस ब्यूटीफुल बॉर्डर। यही था आज का वीडियो, मुझे ज़रूर बताना कि आज की वीडियो का शो स्टॉपर आपके लिए कौन सा हुआ है, आपको कौन सा वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए स्टे चिपक के, बाय।